आज जो रेसिपी मैं बताऊंगी वो है चिक्की बिरयानी का। चिक्की बिरयानी कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए मैंने चिक्की यानी छोले होते हैं, सॉरी थोड़े से हैंडफुल काफ़ी है, इसको ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो वो हैंडफुल चिकपीस मतलब मुठ्ठी भर, ठीक है। उसके बाद 2 कप चावल लिए हैं, अगर आपको कम चाहिए तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप चावल बासमती के लिए है। ये 1 sliced अनियन है, 1 sliced टोमेटो, फिर मसालों में मुझे चाहिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और खड़े मसाले में मुझे चाहिए सिनेमन, क्लोव्स और कार्डम, और 2 हरी मिर्च लिए मैं, साथ ही साथ धनिया पत्ता। तो इन सब चीज़ों से कैसे चिक्पी बिरयानी बनाते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ, इसके मैं प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ। ठीक है, 2 टेबलस्पून घी, घी या बटर ले सकते हैं या तो ऑयल ले सकते हैं आप। घी के गर्म होते ही मैंने ये खड़े मसाले डाल दिए हैं, हमारे जो लौंग है, सिनेमन स्टिक है, इलायची है, वो डाल दिए हैं। जैसे ही वो गर्म होगा तो मैं अपना प्याज डालूँगी। इस स्टेप पे नेक्स्ट है टमाटर मैशी हो जाए, इसमें मैं डालती हूँ हरी मिर्च, अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। अब जाएंगे मेरे चिकपी यानी छोले, इसको डाल के मिक्स कर दीजिएगा। छोले के बाद मैंने राइस डाल दिया है इसमें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। इसमें कोरिएंडर डाल दूंगी, धनिया पत्ता, और पानी डाल के इसको बंद कर देंगे।